टेक्नोलॉजीज हमेशा बहुत तेज़ी से चेंज होती रही हैं, खास तौर पर रोबोटिक्स के मामले में तो ये कुछ ज़्यादा ही तेज है। तो आज हम कुछ अमेजिंग नए एनिमल रोबोट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे घरेलू रोबोट्स जो कि भविष्य में हमारे घरों में भी यूज़ होंगे, जो कि घर के काम करने के साथ साथ खाना भी पकाएंगे के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि आखिरी रोबोट देखकर आप चौंक जाएंगे। नंबर एक, बोस्टन डायनेमिक रोबोटिक्स। बोस्टन रोबोटिक्स ऐसे रोबोट्स को बनाते हैं जो कि अर्नोल्ड के टर्मिनेटर जैसे दिखते हैं। उनके डॉग रोबोट्स आर्मी पर्पस के लिए यूज होती है। ये डॉग रोबोट्स 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो कि आज के इंसानों की फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। अमेरिका की मिलिट्री के लिए बनाया गया ये रोबोट किसी भी मनुष्य को जान से मार सकता है। ये रोबोट सामान को इधर से उधर रख सकते हैं और पूरा चार्ज होने पर यह 90 मिनट तक चलते हैं। ये अपने मालिक के साथ खेलते हैं और यह रोबोट आसानी से सीढ़ी चढ़ सकते हैं। नंबर दो, रोबोटिक पप्पी। रोबोटिक पप्पी में स्पेशल चक्के लगे होते हैं जिससे कि ये आसानी से चिकने और रफ जमीन पर भी आसानी से चल सकते हैं। यह रोबोट पप्पी देख सकता है, अपने मालिक के द्वारा टच को फील कर सकता है और उनके ऑर्डर को मानता है। यह हाथों में पहने हुए एक वॉच के द्वारा कंट्रोल होता है। यह अपने मालिक के साथ खेलता है और कोई आश्चर्य नहीं अगर कुछ वर्षों बाद यह असली पालतू कुत्तों की जगह ले ले। नंबर तीन, कंगारू रोबोट। कंगारू रोबोट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे कि यह अपने पहले जंप की एनर्जी को स्प्रिंग में स्टोर कर दूसरा जंप लगाने के काम में लाता है। यह 7 किलो के होते हैं और इनकी हाइट 1 मीटर होती है। यह एक बार में 80 सेंटीमीटर तक जंप करते हैं। यह रोबोट एक स्पेशल बैंडेज से कंट्रोल होता है जो कि कोहनी के पास लगाया जाता है। नंबर चार, बटरफ्लाई रोबोट्स। बटरफ्लाई रोबोट्स का वजन सिर्फ 32 ग्राम होता है। यह बैटरी से चलती है और एक बार चार्ज होने पर यह 4 मिनट तक उड़ती है। यह बहुत आकर्षक दिखती है और इसमें इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है। बटरफ्लाई रोबोट को ऐसा लुक जंगलों में होने वाले रिसर्च के लिए दिया गया है ताकि जानवरों को रोबोट देखकर परेशानी ना हो। नंबर पाँच, रोबोट फिश। रोबोट फिश समुद्र के अंदर हो रही पॉल्यूशन का पता लगाती है। यह फिश रोबोट गहरे समुद्र में गंदा पानी का सैंपल कलेक्ट करके लाती है जो कि लेबोरेटरी में चेक करने के काम आती है। यह फिश रोबोट यूरोप में समुद्र को पॉल्यूशन फ्री रखने के ऑपरेशन में काम में लाई जाती है। नंबर छः, अंडरवाटर रोबोट स्नेक। इस रोबोट को डिज़ाइन करने के लिए मैग्नेट का खास इस्तेमाल होता है जो कि समुद्र के अंदर खराब हुई मशीनों को सुधारने के काम करता है। खास तौर पर समुद्र में जहां तेल निकलता है वहां यह रोबोट बिगड़ी मशीनों को बनाने के काम में लाया जाता है जहां मनुष्यों का जाना पॉसिबल नहीं होता है। नंबर सात, एंट रोबोट। एंट रोबोट 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें लगे 3D स्टीरियो कैमरे से यह देखते हैं और इसमें लगे इंफ्रारेड सेंसर्स इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसमें 2 ऑनबोर्ड बैटरी लगी होती है जिससे कि यह फुल चार्ज होने पर 40 मिनट तक चलते हैं और यह रिचार्ज होने के लिए एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। नंबर आठ, रोबोट कुक। यह एक स्पेशल तरह का रोबोट है जो कि भविष्य में शायद आपके घर का खाना बनाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। यह रोबोट अलग अलग डिश बनाता है, वो भी बहुत ही टेस्टी। इसके मनुष्यों की तरह 2 हाथ होते हैं ताकि किचन के सारे काम कर सके। हाल ही में हुए डिमॉन्स्ट्रेशन में इस रोबोट ने पार्टिसिपेंट्स को 30 मिनट्स में सूप बनाकर दिया था। इस रोबोट का सिस्टम स्मार्टफोन से कंट्रोल होता है जो कि इंटरनेट से रेसिपी डाउनलोड कर खाना बनाते हैं। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए डेवलपर्स ने इस रोबोट की स्पीड आम इंसानों से कम रखी है। दोस्तों,
हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और आपको कौन सा रोबोट पसंद आया कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त।